अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। क्या आप लोग अपनी पढ़ाई के लिए तैयार हैं? अच्छा, वेरी गुड। चलें तो फिर आज की पढ़ाई हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए कि आज क्या दिन है? आज है जुम्मा। और आज क्या तारीख है? आज है 5 जून 2020। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई सब लोग। और दुखी अमली मशके ये वाली किताब निकाल लें। निकाली सबने ये वाली किताब? चलो अब हम खोलते हैं इसको और देखते हैं कौन सा पेज करना है हमने। इसका हमने करना है इसका सफा नंबर 2। ठीक है, आप सब लोग ये वाला सफा निकालेंगे और इसका टॉपिक है आज हरूफ तहज्जी पढ़िए और लिखिए। ठीक है, हम सब पहले पढ़ेंगे कि इस पे कौन कौन से हरूफ तहज्जी लिखे हुए हैं। हमने इनकी पहचान कर ली है क्योंकि ये तरतीब से नहीं लिखे गए, तो हम इनको पहचानेंगे ये कौन कौन से हरूफ तहज्जी लिखे हुए हैं और उनकी आवाज़ क्या है। आप लोग मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे, ठीक है, और ऊंची बुलंद आवाज़ में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। बे ब अलिफ अ से स ते ट अलिफ मदा आ पे प ते त खे ख जे च जीम ज हे ह अड़े र दाल ज रे र डाल द ये य ज जे ज दाल दा ज्वाद ज सीन स तोए ता शीन श जोए ज। सब लोग मेरे साथ पढ़े। स्वाद स फे फ गाइन व काफ का आइन आ काफ का गाफ गा नून ना लाम ला वाव वा ये या ये या मीम मा हमजा अ हे ह। अब हम सब ने इनको पढ़ लिया कि ये कौन कौन से हरूफ तहज्जी हैं और हमने इनकी आवाज़ें भी पहचान ली। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आप सब लोग अपनी अपनी पेंसिल निकालें, पहले उसको अच्छे से तराश लें, उसको शार्प कर लें, उसके लेड को अच्छे से थिन कर लें और फिर आपने इन अल्फाज के ऊपर अपनी पेंसिल को फेरना है, इसकी ट्रेसिंग करनी है। ये बहुत ही आसान है, आपने बहुत अच्छे से लाइंस को फॉलो करना है। जितना वर्ड लिखा हुआ है, जितना हर्फ लिखा हुआ है, आपने सिर्फ उतनी ही उसके ऊपर पेंसिल फेरनी है। आपने ना उससे ज़्यादा और ना उससे कम
पेंसिल पेन है, ठीक है। चलें, अब मैं बोर्ड पे लिखूंगी और आप लोग अपनी अपनी कॉपी पे वही वर्ड लिखेंगे, ठीक है। उसी वर्ड के ऊपर आप अपनी पेंसिल फेरेंगे और साथ में पढ़ेंगे। चलिए मेरे साथ स्टार्ट करें सब। सबसे पहले है बे, अच्छे से नहीं होगा, वो देखने में बुरा लगेगा, ठीक है। अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप उसको अरेज कर लें, पहले उसको मिटा लें और फिर उसको दोबारा से नीट कर लें, ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं जी। खे, चे, बहुत ही सिफाई से, बहुत ही अच्छे से आपका काम होना चाहिए। अब हम लिखेंगे अड़े, आपने सिर्फ एक सीधी लाइन बना के एक तिरछी लाइन बना दी और उसके ऊपर छोटा सा पॉइंट जाल गुलाई में हम ऐसे बनाए। रे, सीधी लाइन तिरछी लाइन, उसके ऊपर कोई डॉट नहीं होता, ठीक है, रे के ऊपर। अब गुलाई वाली बात, ये सीधी लाइन तिरछी लाइन और तीन डॉट, और ये है ये, ठीक है। अब हम लिखेंगे जे, वन दाल, सबने राइट कर लिया। चलो अब आगे लिखते हैं ज्वार, सीन,
इसी तरह आपने आखिर वाली लाइन के भी सारे हरूफ को अच्छे से ट्रेस आउट कर लेना है, इन लिखे हुए हरूफ पर पेंसिल फेरनी है और इनके नामों को भी पढ़ना है साथ में। ठीक है, आज का हमारा काम इतना ही था। आपने इन अल्फाज को बहुत ही खूबसूरती के साथ लिखना है और बहुत अच्छे तरीके से इनको याद भी करना है और इनकी आवाज़ों को भी याद करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।